चलते चलते, क्योंकि देखिए समय का जो मीटर है वो कम होता जा रहा है, कश्मीर फाइल्स पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी। इकलौते मुझे लगता है आप कांग्रेसी नेता होंगे जो कश्मीर फाइल्स देखने पहुँचे, और बाहर निकलकर आपने कहा कि ये आधा सच है। पूरा सच क्या है जो बघेल नहीं समझा पा रहे हैं लोगों को? देखिए, यदि कश्मीर में जो कुछ हुआ आपने संकेत के रूप में दूसरे दलों को तो आपने बता दिया, डायरेक्टर का अधिकार है, फिल्म बनाने वाले का अधिकार है, लेकिन आपने ये नहीं बताया उस समय वहाँ राज्यपाल उपराज्यपाल कौन था, उस समय सत्ता में कौन बैठे थे। सत्ता में तो कौन बैठे थे? बीपी सिंह थे प्रधानमंत्री। किसके समर्थन में थे? अटल जी अडवाणी जी के समर्थन में थे, और साथ ही जगमोहन जी राज्यपाल थे, उन्होंने पलायन करने, उन्होंने सुरक्षा देने की बात नहीं कही। आखिर राजीव जी लोकसभा के घेराव किए, संसद का घेराव किए, तब जाके फोर्स आप भेजे, उसको कश्मीरी पंडितों को पलायन करने दिया, रोकने को कोई प्रयास नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि उस दौर में केवल कश्मीरी पंडितों को पलायन नहीं हुआ, उसमें बौद्धिस्ट भी पलायन हुआ, सिखों को भी पलायन हुआ, मुस्लिमों को भी पलायन हुआ, और हत्याएं हुई, केवल कश्मीरी पंडितों का नहीं हुआ। या यदि पूजा स्थल तोड़ा गया तो केवल हिंदुओं का पूजा स्थल तोड़ा नहीं गया। देखिए, चाहे आतंकवाद के कोई धर्म नहीं है, चाहे वो किसी धर्म के मानने वाले हों, किसी धर्म के हों, यदि वो आतंकवादी है या नक्सली है। बघेल जी, आखिरी सवाल, और क्योंकि अब ये लाल लाइट जो है वो मुझे दिखने लगी है, अब ना आपने कुछ किया उन कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए, और ना बीजेपी ने कुछ किया, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो आप नेता है, चाहे राजनीति आप करें या बीजेपी करे कश्मीरी पंडितों के नाम पर। मैं वही कह रहा हूँ, मैंने उस दिन भी सवाल उठाया था कि आज समाधान खोजने की आवश्यकता है। इस पिक्चर में समाधान कुछ नहीं बताया गया है, न ही जो प्रधानमंत्री जी तारीफ किए हैं उसके बाद भी कोई समाधान का कोई रास्ता। आप 370 हटा दिए, एक राज्य था उसको तीन भागों में बांट दिया, उसके बाद भी क्या कश्मीर से जो पलायन करने वाले लोग हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे सिख हों, चाहे बौद्धिस्ट हों, उसको पुनर्वास के वापस लाने की आपके पास कोई योजना नहीं है। जहाँ तक के यूपीए सरकार की बात कहें तो मनमोहन सिंह जी ने उनके लिए मकान भी बनाया, उसका पेंशन भी बढ़ाया, लेकिन उतना पर्याप्त नहीं है, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन आज जो कश्मीरी पंडितों के नाम से वोट की तैयारी करें 2024 की, वो क्या उनके वापसी की कोई व्यवस्था किए? एक भी कश्मीरी पंडित को वापस कश्मीर में बसाने की कोशिश किए? नहीं किए। तो आप केवल वोट की राजनीति करना चाहते हैं, उनका भला नहीं करना चाहते, समस्या का समाधान नहीं चाहते आप। ABP News, आपको रखे आगे।